We are given the privilege uh, to see the wonderful uh, potions from heaven for our life on earth. How wonderful it is. Uh, the people, the normal people are called to be heavenly citizens. और ये कितना अद्भुत बात है साधारण इंसान लोगों को स्वर्गीय नागरिक कहा जाता है चिल्ड्रन ऑफ गॉड वी आर ऑल इन द सेम That is इज citizens ऑफ हेवन और जैसे कि हम विभिन्न परिवार में पैदा हुए हैं विभिन्न स्थानों में हम लोग पैदा हुए हैं लेकिन हमारे जीवन में जो है एक ही एक जो है स्टैटस हमको दी गई है एक ही एक जो है मान पद होता है वो दिया गया है सो दिसलिटीज ऑफ ए सिटीजन और इन दिनों में हम जो स्वर्ग के जो नागरिक हैं उसकी जो खासियत क्या है उसके विषय में देखते हुए जा रहे हैं Last week, we have been uh, thinking about uh, the works we do and how it is uh, valued uh, in the heavens' uh, uh, situations. Uh, we have uh, seen uh, the example of uh, uh, great King uh, Alexander. और हम लोगों ने उदाहरण जो है जो दिग्विजय अलेक्सेंडर के विषय में देखे थे हम लोग देखे थे कि संसार में जो कुछ हम लोग हासिल करते हैं प्राप्त करते हैं वो आप हमारे मौत के बाद हम लेके नहीं जा सकते yeah, that is true. वट एवर वी अचीव हियर मेटीरियली मे बी वी बिल्ड हाउस वी बाई मनी ऑल थिंग फ्रॉम दिस अर्थ और जब हम इस संसार छोड़ करके जब जाते हैं भले हम लोग घर बनाए कार खरीदे जो कुछ भी uh, संसार में हम खरीदते हैं सब कुछ छोड़ करके हमें जाना पड़ेगा But whatever things we do as for the Lord, it will be taken even after our death. <laughs> and all the simple things we do, uh, maybe in the world it, might, it, it may not be a big thing but just a glass of water we give in the name of our lord jesus christ will be rewarded in heaven. on the other hand we may be thinking that we have done some great great things for the lord but if we if our motivation behind that is for our own fame.

people may think that some people will receive great rewards in heaven but they will be backbenchers but some people are not at all uh, noticed in the earth might be uh, in the front bench or the uh, front rank holder in in heaven और जब इसीलिए प्रभु ईश्वर से कहते हैं बहुत प्रसिद्ध लोग जो बहुत ही जाने पहचाने वो स्वर्ग में पीछे के जो कुर्सी होती हैं उनमें बैठे रहेंगे लेकिन कोई कोई बिल्कुल भी बाहर दिखाई नहीं देते हैं उनकी कार्य जो है संसार में दिखाई नहीं पड़ता फिर भी स्वर्ग में वे लोग फ्रंट लाइन में पहले जो कुर्सी होती हैं पहले जो लाइन होता है उसी में बैठे रहेंगे टुडे आई एम गोइंग टू

Uh, a, a matter, Matthew chapter 16 verse, uh, I'm also taking that passage. Uh, it says, uh, uh, whatever you bind on earth shall have been bound in heaven and uh, whatever you loose on earth shall have been loosed in heaven. And here we

चर्चिस फाउंडेशन इज पीटर और बहुत सारे लोग बहुत सारे आजकल कलिशिया हैं वो लोग इस तरीके से सोचते हैं कि uh, पत्रस ही जो कलिशिया का स्थापनाकारी है बट देर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट इज टेलिंग दैट इन सिक्सटीन वर्ष एन it says that uh, i also say to you that you are peter and upon this rock i will build my church or maybe here uh, when we read in hindi or english we may be thinking that peter is the rock and uh, जीसस इज बिल्डिंग हिज चर्च अपॉन दैट रॉक और आप लोग ऐसे सोचते होंगे कि पतरस वो पत्थर है और उसी जो पतरस के ऊपर ही उस पत्थर के ऊपर ही प्रभु जो है अपना कलिशिया स्थापना कर रहे हैं बट इन द ओरिजिनल लैंग्वेज इफ समवन इज रीडिंग दिस पैसेज दे विल क्लियरली अंडरस्टैंड व्हाट इट मींस लेकिन जो ओरिजिनल जो भाषा जिस भाषा में लिखी गई थी उस भाषा को अ यदि कोई पढ़ेगा तो इसका अर्थ वास्तव में वो समझ जाएगा हियर जीसस इज टेलिंग इन ग्रीक लाइक दिस यू आर पेटरस एंड अपॉन दिस पेट्रा आई विल बिल्ड माय चर्च और लेकिन उस ग्रीक जो यूनानी भाषा है उसमें यदि देखेंगे तुम पेट्रा हो बा छोटा सा पत्थर हो और मैं इस चट्टान पर जो प्रभु यीशु मसीह जो चट्टान है उसके ऊपर मैं जो है अपना कलीसिया स्थापना करूंगा ऐसा लिखा गया है पेट्रोस मीन्स स्मॉल पीस ऑफ रॉक और uh, जो है पेट्रोस का अर्थ होता है छोटा सा एक पत्थर को दर्शाता है पेट्रा रॉक मीन्स बिग रॉक और पेट्रा जो जो पत्थर है वो बड़ा सा चट्टान को दर्शाता है सो जिस यू पीटर यू आर अ स्मॉल पीस ऑफ रॉक बट अपॉन दिस रॉक द रियल रॉक इज जीसस क्राइस्ट अपॉन दिस रॉक इसी मैं अपना स्थापना करूंगा करके ईश्वसी कहते हैं बिकॉजिकॉट अबाउट गोइंग टू एक्सप्लेन मच अबाउट इट आई वॉज जस्ट ट्राई टू एक्सप्लेन वींस और हमारा जो जो आज की विषय है वो कलिशिया के ऊपर नहीं है लेकिन ये जो अर्थ होता है इसका क्या अर्थ होगी उसके विषय में मैं आप लोगों को व्याख्यान कर रहा था बट टेलिंग समथिंग दैट इज कनेक्टेड टू आवर टॉपिक लेकिन उन्नीसवा पद में प्रभु मसीह इस तरीके से कह रहे हैं कि जो विषय को हम लोग अध्ययन कर रहे हैं उसी विषय के संदर्भ में प्रभु ईश्मसी यहाँ पर कहते हैं

मैं एक सच्चाई को एक, एक विषय को मैं वहां से लेना चाहता हूं आई एम नॉट ट्राइंग टू एक्सप्लेन द रियल मीनिंग ऑफ दैट वर्स और उसका जो वास्तव अर्थ क्या होता है उसमें भी व्याख्यान करने नहीं जा रहा बट द थिंग वी डू ऑन अर्थ हैव एन हैज एन इफेक्ट इन हेवन लेकिन जो संसार में जो कार्य करते हैं उसका जो स्वर्ग में उस प्रतिबिंबित होता है उसका

का हाँ, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा लोग लोग पूरा पूरा नाप पूरा नाप दबा दबा कर और हिला हिला कर और उमरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे क्योंकि जिस नाप में तुम नापते हो उसी में उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा

इन द नेम ऑफ अवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट बट वी मे नॉट बी गेटिंग प्रभु के लिए हम इस संसार में बहुत कुछ देते हैं और इस दुनिया में उसका प्रतिफल हमें नहीं मिल सकता बट श्योरली लेकिन जो हम इस संसार में देते हैं वो सब कुछ अनंतता में उसकी प्रभाव और प्रतिफल मिल सकता है If you give more, you will receive more. Uh, here it says that in verse 38, Give and it will be given to you. Uh, they will pour into your lap a good measure, pressed down, shaken together and running over. will <laughs> दवा दवा कर और हिला हिला कर और उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे। लेकिन अगला जो शब्द है अगला जो वचन है उसमें आप गौर कीजिए क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा मेशरिंग रॉड द मेरिंग मापदंड जिसको हम लोग जो तोल हम लोग इस्तेमाल करते हैं जिस नाप से हम लोग नापते हैं उसी नाप से ही नाप, नापे जाएंगे मेनी क्रिस्टियंस मेनी बिलीवर्स आर थिंक द मनी आई रिसीव इज फॉर माइसेल्फ <laughs> बहुत सारे मसीह लोग इस तरीके से सोचते हैं जो पैसा मुझे मिलती है ये मेरे लिए ही है करके सोचते हैं That is for building my house. और वो लोग सोचते हैं ये मेरे मकान बनाने के लिए है That is for teaching my children. और ये मेरे बच्चों को पढ़ाने के लिए है दैट इज फॉर बाइंग माय ओन ट्रैवलिंग व्हीकल्स और जो है ये सब पैसा जो है मेरे खुद के यात्रा के लिए जो है गाड़ी खरीदने के लिए है

और जो है इस संसार में जब हम लोग देते हैं और सोचते हैं और देते समय जो है हमें ऐसा लगता है कि अरे मेरा पैसा में कमी आ रही है और देते देते जाऊंगा तो फिर मैं ही गरीब बन जाऊंगा ऐसे हम लोग सोचते हैं बट जीसस क्राइस्ट इज क्लियरली दिस मैटर लाइक दिस इफ यू गिव इन इन माय नेम यू आर इन्वेस्टिंग दैट इन माय हेवनली बैंक और लेकिन परमेश्वर का वचन जो है प्रभु मसीह यहाँ पर इस तरीके से कहते हैं तुम तो यदि मेरे नाम से देते हो तो जो है जो स्वर्गीय की बैंक है जो जमा वहीं पर आप लोग करते हो इफ यू you और इस संसार के जो बैंक में आप यदि पैसा को जमा करते हैं और ऐसा समय आएगा उस पैसों को आप खो बैठेंगे बट इफ यू इनवेस्ट इन इट विल बी गिवन टू यूज लेकिन आप यदि जो है प्रभु के नाम से दोगे उस स्वर्ग में आप बहुताय तरीके से आप वहां पर जो है इकट्ठा कर रहे हैं और आपको मिलेगा जब मैं भारत में था तो रात को भी मुझे काम करना पड़ता था

और सम ले रिकॉर्डेड सोनी फ्लायर फॉर प्रोग्राम सो आई विल एक्सेप्ट ऑल देयर रिक्वेस्ट और जब आप ऐसे सोचते होंगे तो मैं क्या करता था मतलब जो है बहुत सारे मसीह काम में, में व्यस्त था बहुत सारे लोग Uh, किताब लिखते थे गाने जो है पब्लिश करने के लिए कहते थे जो है और फ्लायर वगैरह बना करके डिजाइन करने के लिए कहते थे तो कोई भी मुझे फोन करता ये सब काम करना है मैं मना कभी नहीं करता सब काम को मैं अपने ऊपर ले करके जिम्मेदारी लेकर के मैं करने लगता था वर्क फॉर फ्री और जो कुछ भी मैं काम करता था मैं मुफ्त में काम करके देता था

और ये जो है पैसों से मुझे जो है इस संसार में उस भाइयों के जरिए प्रतिफल तो नहीं देंगे लेकिन ये स्वर्ग में मेरा धन एकत्रित होता है एक्चुअली दैट वाज रियली ट्रू इन माय लाइफ और ये वास्तव में सही है मेरे जीवन में ऐसे ही हुआ है uh, Wow, wonderfully and miraculously, God has provided from His treasure. और जब मुझे आवश्यकताएं थी जब मुझे जरूरत थी परमेश्वर ने स्वर्ग से अपने जो धन है उस धन से मेरा हरेक आवश्यकताओं को परमेश्वर ने पूरा किया है सो हेवनली इकोनॉमिक्स इज नॉट एज वट वी सी इन ऑन दिस अर्थ और जो स्वर्ग की अर्थव्यवस्था है इस संसार के अनुसार नहीं है जो संसार में हम लोग देखते हैं उस अर्थव्यवस्था के अनुसार नहीं है वो अलग है uh in on earth or the world says you work hard you make money you invest and then you will become a, become rich हो हो. but jesus says you give and give and give and you will become rich लेकिन प्रभु ईश्व मसी कहते हैं तुम दो 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 दूसरों को दो और फिर तुम अमीर बनोगे बिकॉज वॉट एवर वी गिव दैट इज अवर इन्वेस्टमेंट इन हेवन और क्योंकि हम जो कुछ भी संसार में देते हैं वो सब कुछ हम स्वर्ग में धन एकत्रित कर रहे हैं One a great preacher once uh, spoke once spoke like this. Uh, I haven't seen anybody who became uh, लॉर्ड uh, और जो है एक प्रचारक ऐसे उन्होंने प्रचार किया था ऐसे मैंने सुना है कि प्रभु के लिए उसके पास जो कुछ भी है वो दे करके गरीब बनते हुए मैंने कभी नहीं देखा ऑन द अदर हैंड दीपुलॉर द लॉर्ड दे आर ऑलवेज प्रोटेक्टेड एंड प्रोवाइडेड बाई द लॉर्ड लेकिन दूसरी तरफ यदि देखें जो लोग प्रभु के लिए देते हैं प्रभु के लिए दान देते हैं वो लोग जो है परमेश्वर के द्वारा सुरक्षित हैं और उसके साथ साथ उनके हरेक आवश्यकता परमेश्वर सही समय पर पूरा करता है first इज kingdom इन मैथ्यू चैप्टर His जीसस क्राइस्ट all किंगडम ऑफ गॉड एंड ऑल unto थिंग्स इसीलिए मति르सस मत्ती का छठा अध्याय में प्रभु ईश्वर से इस तरीके से कहते हैं जो है सबसे पहले परमेश्वर की राज की खोज करो और सब कुछ तुम्हें दिया जाएगा ऑल दीस थिंग्स व्हाट डस इट मीन और ये सब कुछ का अर्थ क्या है इन द प्रीवियस वर्सेस इट सेस अबाउट आवर आवर डेली नीड ऑफ फूड एंड आवर आवर डेली नीड ऑफ़ शेल्टर और आवर क्लोथिंग

उदाहरण जो है पहले भी मैं हमारी अध्ययन में मैंने दिया था लेकिन हमारी इस अध्ययन में उसको मैं फिर से दोहराना चाहता हूँ इफ यू वॉन्ट बी रिच इन हाउ मच वी शुड गिव और अब संसार में यदि आप स्वर्ग में यदि आप अमीर होना चाहते हैं तो इस संसार में आपको और मुझे कितना देना चाहिए शुड वी गिव लैक्स ऑफ रुपीज क्या हमें uh, लाखों रुपए देने की जरूरत है क्या If we give a million rupees, will it be uh, uh, will we be rich in heaven? in the uh, example of that widow widow's giving, Jesus Christ was sitting uh, uh, in the temple and one widow she put two coins and seeing that jesus mentioned specially mentioned about that woman that She has given the most. और आप देखिए ये प्रभु यीशु मसीह उस मंदिर में बैठे हुए रहते हैं वो स्त्री जब आ करके दो सिक्के देती है उस वक्त वो प्रभु यीशु मसीह देख करके कहते हैं कि ये जो स्त्री है विधवा स्त्री इसने सबसे ज्यादा दिया है करके उस स्त्री का नाम को प्रभु यीशु मसीह लेते हैं But there, there were other rich people who has uh, given thousand coins or hundred coins. Uh, there were, there were many rich people who has given more. और लेकिन अब देखिए जो है जो स्वर्ग में, में उस जगह But... में उस मंदिर में बहुत सारे अमीर लोग थे उस अमीर लोगों ने क्या किया है बहुत सारे पैसा उस दान पेटी में डाला है uh, when, when we compare with that thousand coins and कॉइन्स coins uh, who has given the most और जब जो हजार सिक्के दिए हैं और दो सिक्के दिए हैं उन दोनों को तुलना करेंगे तो सबसे ज्यादा किसने दिया है इन ह्यूमन इकोनॉमिक्स दैट 1000 कॉइन पर्सन हैज गिवन द मोस्ट और uh, मनुष्य के नजर से यदि देखा जाए तो हजार सिक्के जिसने दिया है वो ज्यादा पैसा दिया है बट इन गॉड्स व्यू पॉइंट इन क्राइस्ट व्यू पॉइंट दिस विडो वुमन हैज गिवन द मोस्ट लेकिन परमेश्वर के नजर में मसीह के नजर में ये जो विधवा है दो सिक्का दिया था उसने you, सबसे ज्यादा सिक्का दिया है करके दिखाई पड़ता है यू नो वाई जीसस क्राइस्ट that? आप जानते हैं कि प्रभु मसीह ने ऐसा क्यों कहा है बिकॉज जीसस uh, that इट लेटर दैट she gave शी full. और प्रभीष्व से बाद में इस विषय को जो है दर्शाते हैं जो कुछ भी उसके पास था वो संपूर्ण रीति से पूरा पैसा उस, वो दे देती है। और जो है हम लोग देखते हैं कि उसको अगले दिन का खाना अगले समय की भोजन जो है उसके पास वो खाने के लिए भी उसके पास पैसा नहीं है वो जो पैसा है वो अपने लिए वो सब कुछ भी नहीं रखा वो सब कुछ परमेश्वर इफ शी पुट दैट फुल टू कॉइन दैट मीन शीज गिवन हंड्रेड परसेंट और जो है उसके पास जो दो सिक्के हैं फिर भी परमेश्वर के लिए उसने यदि दिया है तो वो पूरा के पूरा पैसा प्रभु के लिए दिया है

Mark 11 24 and 25. और मार्क चौबीस और पच्चीस मार्क अच्छी समाचार ग्यारह अध्याय चौबीस और पच्चीस बा आयत को हम लोग लो पढ़ेंगे इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीत करो और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो तो यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध हो तो क्षमा करो इसलिए तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करे क्षमा how... ना करो तो तुम्हारा पिता भी जो स्वर्ग में है तुम्हारा अपराध क्षमा ना करेगा इधर yeah, uh, बहुत साफ तरीके से दर्शाया गया है यदि आप जो है दूसरों को माफ करेंगे तभी जो है आपको माफी मिलेगा

तब जा करके प्रभु यीशु मसीह हमें माफ करेंगे उस उद्धार के लिए कोई कार्य की आवश्यकता नहीं है सालवेशन इज टोटली अनकंडीशनल इट वॉज गिवन फ्रीली और जो उद्धार थी उसका कोई शर्ते नहीं था जो उद्धार हमें मुफ्त में मिला है बट आफ्टर वी गॉट सेव्ड वॉट वी डू ऑन दिस अर्थ हैज अ रिफ्लेक्शन इन हेवन और हमारे उद्धार पाने के बाद जो कुछ भी

और इस धरती के भी नागरिक हैं तो जो कुछ भी हम लोग करते हैं उसका अर्थ नहीं कि स्वर्ग के साथ स्वर्ग के साथ हमारी कार्य जुड़ी हुई नहीं है ऐसा नहीं है बिकॉज़ वी आर सिटीजंस ऑफ हेवन व्हाटएवर वी डू हैज कनेक्शन इन हेवन और क्योंकि हम स्वर्ग के नागरिक हैं इस संसार में जो कुछ भी हम करते हैं जो है वो स्वर्ग में दिखाई पड़ता है उसकी नाता है देयर इज व्हाई इट इज सेड दैट You need to forgive. If you don't forgive, your heavenly father will not forgive you. Your sins also. Uh, dear brother, brothers and sisters, uh, while we are living on this earth, there are, uh, there are people who are uh, working against us, who are uh, gossiping against us. बट आर वी रियली फोरगिविंग दम और मेरे प्यारे भाई और बहनों आपके और मेरे विषय में इस संसार में बहुत सारे लोग जो है चुगली करते होंगे आपके विषय में कुछ ना कुछ आपके विरोध में बोलते होंगे क्या ऐसे लोगों को आप और में माफ करते हैं बिकॉज वी आर थिंकिंगउट एनी रीजन दे आर हार्मिंगन और दे आर टॉकिंग एगेंस्ट मी और मैं उनको माफ नहीं कर सकता क्योंकि मेरे जो मान है सम्मान में उसको उन्होंने ठेस पहुंचाया है मेरे को हानि पहुंचाया है इसीलिए मैं उनसे वा, उनको माफ़ नहीं कर सकता ऐसा सोचते होंगे बट जीसस इज एक्सपेक्टिंग लेकिन प्रभु इस तरीके से कहते हैं लोगों को हमें माफ करने की जरूरत है वो लोग ऐसे गलतियां करते हैं ऐसे गलतियों में भी हमें माफ करने की आवश्यकता है। मैथ्यू चैप्टर सिक्सोडिया और मत, अच्छा उच्च वर्ष मथी मैथ्यू सिक्स और मध्य सुषमाचार छठवा अध्याय पंद्रह पद में भी यही बात को ही जो है प्रभु प्रभुष्म ऐसी बातों को लेकर के आते हैं इस तरीके से प्रभुसी कहते हैं यदि तुम मनुष्य का अपराध को क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराधों को क्षमा ना करेगा एंड इन मैथ्यू चैप्टर एटीन ऑल्सो द सेम आइडिया इज ब्रॉड

और वहां पर पतरस जो है प्रभु यीशु मसीह से सवाल करते हैं हे hey प्रभु मेरा भाई अपराध जो है करता है तो मुझे कितने बार माफ करने की आवश्यकता है एंड पीटर इज असुमिंग दैट आई कैन फॉरगिव मे बी अप टू सेवन टाइम्स और पतरस इस तरीके से कहता है प्रभु मैं तो सात बार माफ कर सकता हूँ आई कैन नॉट फॉरगिव मोर देन दैट वो कहता है कि मैं उससे ज्यादा माफ नहीं कर सकता बट वॉट डिड जीसस से

का मतलब यदि गुना करेंगे तो 490 बार हमें माफ करने की आवश्यकता है सी द फॉरगिवनेस हेवनली सिटीजंस आर एक्सपेक्टेड टू फॉरगिव टू देयर एनिमीज और दोस हु आर हार्मिंग अस एट लीस्ट 490 टाइम्स और देखिए प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं हमें माफ करना है वो कम से कम 490 बार हमें माफ करने की आवश्यकता है I don't have time to explain it, but I would like to just read uh, from verses uh, uh, 23 onwards. There is no need of explanation. Just listen to what it is uh, written there. Uh, it it is it will give a uh, good picture of forgiveness. हमें उसको व्याख्यान करने की आवश्यकता नहीं है जो एक माफ करने की एक अच्छा चित्र को हमें दर्शाएगा माफ करने के विषय में में हमें समझ में आएगा पढ़ना है क्या चैप्टर एटीन ट्वेंटी थ्री ऑनवर्ड अच्छा यस यस इसलिए राज्य उस राजा के समय जिसने आपने दासों से लिखा लिखा लेना चाहा जब वह लिखा लेना था, तो एक जन उसके सामने आया लाया गया जो दस हजार जोड़ तोड़े का कर्जदार था जबकि चुकाने को उसके पास कुछ ना था तो उसके स्वामी ने कहा ये और इसकी पत्नी और बाल बच्चे और जो कुछ इसका है सब बेचा जाए और कर्ज चुका और कर्ज चुका दिया जाए इस पर उस दास ने गिरकर उससे प्रणाम किया और कहा हे स्वामी धीरज धर मैं सब कुछ भर दूंगा तब उस दास के स्वामी ने तरस खाकर उससे छोड़ दिया और उसका कर्ज भी क्षमा कर दिया और आगे थर्टी yes. फाइव yes, पैंतीस पद तक पढ़िए ओके इसी प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई भाइयों को मन से स्वर्ग में है तुमसे भी वैसा ही करेगा कैन यू रीड द होल वर्सेस फ्रॉम द ट्वेंटी सेवन टू थर्टी फाइव द स्टोरी द होल वर्सेस आर मेंशनिंग अबाउट दैट स्टोरी तब उस दास के स्वामी तरस खाकर उसे छोड़ दिया और उसका धार क्षमा किया परंतु जब वो दास बाहर निकला तो उसके संगी दास में से एक उसको मिला जो उसके सो दिनार धरता था उसने उससे पकड़कर उसका गला घोटा और कहा जो कुछ तू धरता है भर दे इस आ, पर उसकी संगीदास गिरकर उससे विनती करने लगा कि धीरज धर धीरज धर मैं सब भर दूंगा उसने आ, उसने ना माना परंतु जाकर उसे बंदी गृह में डाल दिया कि जब तक कर्ज भर ना दे तब तक वही रहे उसकी स्वामी दास यह जो हुआ था देखकर बहुत उदास हुआ और जाकर अपने स्वामी को पूरा आहाल बता दिया तब उसके स्वामी ने उसको बुलाकर उससे कहा हे दुष्ट दास तूने जो मुझसे बिनती की तो मैं मैंने तो तेरा वह पूरा कर्ज क्षमा किया सो जैसा मैंने तुझ पर दया की वैसे ही क्या तुझे भी अपनी संगी दास पर दया करना नहीं चाहिए था और उसके स्वामी ने क्रोध में आकर उसे दंड देने बालों के हाथ में सौंप दिया कि जब तक वो सब कर्जा भर ना दे तब तक उनके हाथ में आ, उनके हाथ में रहे इस प्रकार यदि यदि तुम में से हरेक अपने भाई को मन से क्षमा ना करेगा तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुमसे भी वैसा ही करेगा How beautifully our Lord Jesus Christ is bringing the story of forgiveness. We are also uh, sometimes like this this person. This person has, has been forgiven for 10,000 talents, but here he was not ready to forgive.

अनंतता का नरक से अनंतता का स्वर्ग में आपको और मुझे ले जाया गया सो दिस मच फॉरगिवन अस वी रिसीव्ड बट वी आर नॉट वी आर नॉट विलिंग टू फॉरगिव अ पर्सन हु हैज डन स्मॉल स्मॉल थिंग्स अगेंस्ट अस और आप देखिए इतना बड़ा जो माफी आपको और मुझे मिला है लेकिन छोटा-छोटा गलती जो आपके और मेरे विरुद्ध कोई करता है तो उस बात को हम माफ नहीं करते हैं

so we we are not forgiving that that is an earthly matter we may be thinking like that. और जो है हम लोग क्या करते हैं कोई यदि आपके विषय में चुगली करता है क्षमा नहीं करता है तो ये सब बातें जो है तो धरती स्वर्ग, स्वर्ग की बात है तो की करके हम लोग सोचते हैं बट earth वी डू ऑन in इन लेकिन आप इस बात को समझिए जो कुछ भी हम इस संसार में करते हैं उसकी असर प्रभाव स्वर्ग में दिखाई पड़ता है

जो है तोल को पकड़ाते हैं और हम जब माफ नहीं करते हैं तो प्रभु भी हमें माफ नहीं करेगा सो फर्स्ट वी हैव सीन हाउ आवर गिविंग विल रिफ्लेक्ट इन हेवन सबसे पहले हम लोगों ने देखा है कि हम इस संसार में जो देते हैं उसकी प्रभाव स्वर्ग में कैसा दिखाई पड़ता है एंड सेकंडली वी हैव सीन हाउ आवर फॉरगिवनेस विल रिफ्लेक्ट इन हेवन और दूसरी विषय को हम लोगों ने देखा है कि हम जो माँ संसार में करते हैं व नहीं करते हैं उसका असर स्वर्ग में कैसी दिखाई पड़ती है और तीसरा विषय हम लोग देखेंगे मतिरचि सुसमाचार उसका पांचवा अध्याय सातवा पद को हम लोग पढ़ेंगे

we will see the same idea in the book of james also aur is vishay ko hum log yakub ka pustak aur patri mein bhi james chapter 2 verse 13 ya yakub ka patri uska dusra adhyay aur 13 pad mein for the for judgment will be merciless to one who has shown no mercy और इस तरीके से हम लोग देखते हैं क्योंकि जिसने दया नहीं की उसका न्याय बिना दया के होगा दया न्याय पर जयवंत होती है सी हाउ क्लियरली द वर्ड ऑफ गॉड मेंशन अबाउट आवर आवर लाइफ ऑफ आवर शोइंग mercy। और अब देखिए परमेश्वर का वचन कितने साफ तरीके से हमारे जो दया दिखाने के विषय में बताती है

और बहुत बार हमें ऐसा लगता है कि उस व्यक्ति को हमें दया दिखाने की जरूरत नहीं है उसको कुछ भी देने की आवश्यकता नहीं है ऐसा हम लोग सोचते हैं as a uh, as a man uh, who uh, who went to jericho uh, people are lying down on the road और जैसे कि हम लोग देखते हैं एक व्यक्ति जो है जाता है और बहुत सारे लोग जेरिको के रास्ते में वो लोग इरिहो के रास्ते में वो लोग वहां पर लेटे हुए थे पड़े हुए थे But like uh, like the priest uh, or the Levite, uh, they are closing their eyes and they are going away. जैसे कि हम लोग उस लेवी था, उस याजक था, उसके जैसे ही बहुत सारे लोग अपने आँख को बंद करके चल पड़ते हैं. But only the Good Samaritan

क्लियरली uh, और उस विषय को हम याकूब का पस्तिक, पत्री में देखते हैं कि बहुत सुंदर तरीके से उसको व्याख्यान किया गया है और अब देखिए उस न्याय का दिन में प्रभु मसीह का न्याय का दिन में बिना दया से भी तुम्हारा न्याय किया जाएगा व्हाई बिकॉज यू अदर्स क्यों क्योंकि तुमने दूसरों को बिल्कुल भी दया नहीं दिखाया है सी फर्स्ट वी हैव सीन आवर आवर गिविंग विल रिफ्लेक्ट इन हेवन सेकंड वी हैव सीन आवर फॉरगिवनेस विल रिफ्लेक्ट इन हेवन थर्ड वी हैव सीन आवर लाइफ ऑफ मर्सी विल रिफ्लेक्ट इन हेवन और आप देखिए हम सबसे पहले जो है आ, जो दूसरों को देते हैं उस देने का विषय स्वर्ग में उसका असर दिखाई देगा प्रभाव दिखाई पड़ेगी दूसरों दूसरा विषय हम लोगों ने देखा है कि जो है दूसरों को यदि हम माफ करते हैं दया दिखाते हैं वो सब भी आ, 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 जो है दूसरों को यदि माफ करेंगे तो हमें भी माफ किया जाएगा स्वर्ग में तीसरा विषय को हम लोगों ने देखा है हम यदि दया इस संसार में करेंगे तो स्वर्ग में उसकी असर दिखाई पड़ेगा इस विषय को हम लोगों ने देखा है जजिंग अदर्स चौथा विषय को हम लोग देखेंगे न्याय करने का विषय और इफ यू आर जजिंग मेकिंग जजमेंट अगेंस्ट अदर्स दैट इज एग्स शुड विल दैट बी रिफ्लेक्टेड इन हम जब इस संसार में किसी का न्याय करते हैं किसी के विषय में हम लोग यदि Uh, जो है दंड देते हैं न्याय करते हैं क्या ये तो सांसारिक विषय है क्या वो बात भी स्वर्ग में असर पड़ेगा क्या इफ टू टू थ्री पीपल ज्वाइन टूगेदर टू गेट सम टॉपिक्स टू टॉक वी मे बी वी मे बी टॉकिंग अबाउट अदर्स और क्या होता है यदि दो तीन लोग यदि हम एकत्रित हो जाते हैं तो हमारे पास कुछ ऐसे विषय आ, आ जाता है और उसके विषय में हम इधर बैठ करके चर्चा करने लगते हैं। ओह दैट ब्रदर यू नो अबाउट हिम uh, he is uh, doing such and such things and you know that sister oh she is uh, uh, doing such and such things we, we we are making topics about others for our conversation और हम लोग क्या होता है जब हम लोग मिलते हैं तो फिर हम लोग चर्चा करने लगते हैं अरे इस भाई के विषय में जानते हैं वो भाई तो ऐसा ऐसा करता है अरे वो बहन के विषय आप जानते हैं वो बहन तो ऐसे ऐसे करती है तो ऐसे जो है बहुत सारे विषय मिल जाता है हम ऐसे विषय पर और ध्यान देते हैं और चर्चा करने लगते हैं सोशल मीडिया आर राइटिंग अगेंस्ट other ब्रदर्स और जो है आजकल हम लोग जो सोशल मीडिया है उसमें हम लोग देखते हैं कि एक दूसरे के खिलाफ लोग लिखने लगते हैं फॉर दैट इन क्या इसका असर स्वर्ग में दिखाई पड़ेगा क्या मैथ्यू चैप्टर सेवन वर्सेस वन एंड टू मतरची सुसमाचार उसका सातवा अध्याय और एक और दो पद में ऐसा लिखा गया है डू नॉट जज सो दैट यू विल नॉट बी जज्ड

अगला वाक्य में हम लोग इस तरीके से बहुत साफ तरीके से दर्शाया गया है और जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा कितना साफ तरीके से दर्शाया गया है कि

मापदंड को इस्तेमाल करेंगे और दूसरों को जो है न्याय करेंगे तो दोष यदि लगाने का वा विचार करने का विषय आता है तो परमेश्वर भी आपको और मुझे आसान से आसान तरीका इस्तेमाल करके न्याय करेगा। The world is thinking that if a person is boldly saying about other people, people's faults, that's the uh, that's a symbol of brave braveness or uh, uh,

ही आपके साथ उसकी गलती को तुम बताओगे तो संसार कहने लगेगा अरे देखो इसके पास कितना बुद्धि है ये कितना हिया बंत है और दूसरों को दूसरों के विषय में ये जो है उसका गलती को वो उजागर कर रहा है करके लोग कहने लगते हैं टुडे वी हैव सीन फोर एस्पेक्ट ऑफ आवर आवर वर्क ऑन अर्थ विल रिफ्लेक्ट इन हेवन और चार ऐसे विषय को आज हम लोगों ने जो है देखे हैं कि हमारे जो कार्य स्वर्ग में कैसा प्रभाव डालता है सबसे पहला देने के विषय में। Second was about forgiveness. और दूसरा विषय जो है माफ करने के विषय में थर्ड वन इज अबाउट आवर मर्सी और तीसरा विषय जो है दूसरों को दया दिखाने के विषय में

Uh, uh, बट डों को, को प्रभु पर बताते हैं मैथ्यू चैप्ट सेवन वर्स टू सेकेंड पार्ट एंड बाई यूर स्टैंडर्ड ऑफ मशर यूर इट बी मशर टू यू और इस बात को कभी नहीं भूलना जिस नाप से तुम नापते हो उसी से भी तुम्हारे लिए नापा जाएगा गॉड इज गोइंग टू यूज द सेम स्केल यू आर यूजिंग टू जज यू और जो जिस नाप आप लोग दूसरों को दोष लगाने के लिए या फिर दूसरों को निहाय करने के लिए इस्तेमाल करते हो ऐसे ही नाप प्रभु ईश्वर से भी इस्तेमाल करने वाले हैं That means if you are a broad-hearted person who are, who is forgiving, who is merciful, who is loving, and the judgment

ऐसे ही मदद करे एक जो है खुले दिल वाला हो एक जो है खुले दिल वाले हो करके दूसरों को दया दिखाने के लिए माफ करने के लिए प्रभु हम सबको मदद करें May his name be glorified. परमेश्वर की नाम की महिमा हो थैंक यू सो मच अच्छा फॉर द वंडरफुल मैसेज रियली इट वॉज हार्ट टचिंग मैसेज टू अस एंड देयर इज नो वर्ड्स टू एक्सप्लेन इट्स ट्रू that uh, we should have a heart of uh, uh, kindness we should show kind towards others. we should have the mind of uh, forgiving others we should have the mentality uh, to give others and uh, uh, we should uh, be very kind towards uh, judging others thank you for the four points really it was uh, heart touching whatever the things that we are doing in the uh, uh, in the earth, that will be reflected in heaven. Such a wonderful message. God bless you, dear Acha. Thank you so much, uh, dear sir, for your wonderful uh, teaching. And really, its uh, uh, it was very nice and very uh, excited and encouraging us. Uh, thank you so much, uh, dear sir, on behalf of BDTI and Gwalior Assembly. We are very much thankful to you. You have reminded us of uh, mainly four things. ने हमको जो चार सिखाया और वो जो हमारे जीवन में विश्वासी के जीवन में होना बहुत ही जरूरी है और प्रियो अगर हमारे जीवन में अः किसी अः भाई पर दया हम नहीं करते हैं या किसी को हम फॉरगिव uh, नहीं करते हैं क्षमा uh, नहीं देते हैं या और किसी को हम uh, जज करते हैं क्या उनको क्या उन, उनके खिलाफ में uh, न्याय करते हैं या उनको हम दया दिखाते हैं इस प्रकार का जो चार बातें हमने देखा है प्रियो हमारे जीवन में भी uh, पूछ के uh, देखिए परख के देखे कि प्रभु ये जो चार बातें क्या मेरा जीवन में है कि अगर नहीं है प्रियो हमारे जीवन में इन चार बातों के लिए प्रभु से हमको प्रार्थना करना प्रभु से निवेदन करना है और उन प्रभु का आत्मा जरूर हमको अगुवाई करेंगे थैंक यू वंस अगेन सर फॉर योर वंडरफुल मैसेज थैंक यू फॉर योर वर्ड्स दैट यू हैव शेयर्ड विद अस वी आर वेरी मच थैंकफुल टू यू आज जितने भी भाई बहन जुड़े हैं सभी को धन्यवाद साथ-साथ में शिबिर uh, भैया का भी धन्यवाद करता हूँ कि वे भी बहुत अच्छी रीति से हिंदी भाषा में ट्रांसलेशन किया और सबको समझाए को प्रभु की महिमा, को बहुत-बहुत धन्यवाद। आइए हम लोग आज की सभा को प्रार्थना करके समाप्त करेंगे मैं प्रार्थना के लिए बुलाना चाहता हूँ हमारा बीच में जॉर्जन अंकल इंदौर से है वे हमको प्रार्थना में आइए हम प्रार्थना हमारे स्वर्गीय पिता प्रभु जी धन्यवाद के साथ आपके चरणों में हम आता है प्रभु जी प्रभु जी आप हमसे रोज बात करने वाला परमेश्वर है आपका वजन में इस दुनिया में हम कैसे मसीहित जीवन बिताना है प्रभु जी उसके बारे में बहुत सारा बातें हमारे लिए आपने लिखे रखा हुआ है प्रभु जी इसलिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी प्रभु जी हम स्वर्ग की नागरिकता है प्रभु जी इस दुनिया का लोग नहीं है प्रभु जी एक दिन ये दुनिया छोड़कर हम इस दुनिया से जाने का है प्रभु जी आज से सौ जर्ने हम इस दुनिया में जी रहा है प्रभु जी प्रभु जी परंतु हम स्वर्ग की सदस्य है प्रभु जी इसलिए हमारा जीवन के द्वारा स्वर्ग की लोगों की जैसी हमारा जीवन बिताना है प्रभु जी परंतु बहुत बार हमारा जीवन में नहीं हो पाता है प्रभु जी हम ні даін продзе